हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो हम थोड़े अलग कॉन्सेप्ट पे करते हैं। लेट्स डू आर चिट चैट वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई चिट चैट वाला वीडियो आप लोगों के साथ किया नहीं है। और साथ में ना मैं आपको कुछ मैटर्निटी वेयर ड्रेसेस भी दिखा दूंगी। बेसिकली दीज आर फीडिंग ड्रेसेस दैट आई एम करंटली यूजिंग। आप लोगों को तो पता ही है मैं सेकंड टाइम मॉम बनी हूँ और मुझे हुई है एक प्यारी सी बेटी। उसका नाम हमने रारा रखा है। बहुत लोगों को था कि रारा कैसा नाम है, हमें अच्छा लग रहा था हमने रख दिया। वैसे उसका जो ऑफिशियल नेम होगा दैट इज़ गोइंग टू बी रुद्राक्षी, क्योंकि ये हमने रखा है दिवेश के दादाजी थे रुद्र, उनके नाम पे रुद्राक्षी, क्योंकि दिवेश अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था एंड मतलब मेरी इक्वेशन भी बहुत अच्छी थी उनके साथ। अब वो हमारे बीच नहीं है, बट एनीवेज चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सो आई एम गोना आंसर दैट एज वेल टुडे। मैंने ऐसे बिल्कुल इसे पालथी मार के बैठी हूँ आज, बिल्कुल मेरा कोई ऐसे फैशन वीडियो बनाने का मन नहीं था, इसलिए आज हम ये गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो में। चलो, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि व्हाट यू आर फीडिंग योर बेबी, फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग। सो आई एम ब्रेस्ट फीडिंग हर। मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी यही किया था एंड सिमिलरली अच्छा एक अलग चीज़ हुई इस बारी मेरे साथ, क्या हुआ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में पहले एक दिन मैंने रूरू को, मतलब हम लोगों ने रूरू को फॉर्मूला मिल्क दिया था, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि सर्जरी के बाद एकदम फीड करा सकते हैं। दिस टाइम आई डिड माई रिसर्च, मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंसेस सुने, तो उन्होंने बताया कि आप 2 घंटे बाद या फिर कुछ लोग तो आधे घंटे बाद भी फीड करा देते हैं सर्जरी के। सो आई आस्क्ड माई डॉक्टर, शी सेड कि आप में हिम्मत होनी चाहिए फीड कराने की, यू कैन फीड योर बेबी, इट्स टोटली सेफ। तो मैंने 2 घंटे तक तो नहीं थी यार मेरे अंदर हिम्मत, मैं सच बताऊँ, मैं कहने लगूँ आधे घंटे बाद मैंने फीड करा दिया था, वो कमेंडेबल है भाई जो लोग करा लेते हैं, मुझसे नहीं हो पाया। मैंने 2 घंटे बाद रूरू को फीड करना स्टार्ट किया था, रारा को फीड करना स्टार्ट किया था एंड एवरीथिंग वेंट रियली वेल। बस उस रात में एक दो बारी था कि जब मैं बैठ नहीं पा रही थी, बिकॉज उसी दिन सर्जरी हुई थी, तो उस रात में एक दो बारी मेरी सिस्टर इन लॉ जो है प्रिया, क्योंकि वो भी अभी लैक्टेटिंग मॉम है, तो उसने फिर करा दिया था रारा को, एक दो बार जरूरत पड़ी। बाकी रात में भी मैंने उठ के आई थिंक हाँ एक बार उसको एक दो बार कराया था, उसके बाद भी कुछ छोटा बच्चा है थोड़ी थोड़ी देर में फीड करता है, बाकी उसके बाद तो हमें फॉर्मूला मिल्क की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले लेट मी शो यू वन ड्रेस विच आई हैव एंड ऑल ऑफ दीज ड्रेसेज आर फ्रॉम द ब्रांड माइंड फॉर 9। ये सिमिलर ब्रांड मैंने पिछली प्रेगनेंसी में भी काफी पहना था और फीडिंग ड्रेसेस तो मैंने इन्हीं की यूज करी थी, बिकॉज आई जस्ट लव देयर क्वालिटी। इनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, दीज आर स्ट्रेचेबल एंड कंफर्टेबल एट द सेम टाइम, फीडिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। सो दीज आर फ्रॉम द ब्रांड माइंड फॉर 9 एंड स्लीव्स बहुत सुंदर आई हैं इस तरीके की, मैं ट्राई ऑन में अभी आपको दिखाऊंगी। दिस इज शिफॉन फैब्रिक और बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है। एक ऐसी ड्रेस है जो आप आराम से बाहर पहन के जा सकते हो, इट लुक्स वेरी क्यूट ऑन न्यू मॉम्स, कलर इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड इसमें आपको यहाँ पर फ्रंट में इस तरीके से ये चेन्स मिल जाएंगी दोनों साइड में, सो यू कैन ईजिली फीड योर बेबी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि स्टाइलिश होने के साथ साथ फीडिंग भी आराम से करा सकते हो बच्चे को। मूविंग ऑन टू अनदर ड्रेस दैट वी हैव इज दिस ब्यूटिफुल येलो कलर ड्रेस। इसका स्टाइल थोड़ा सा मेरे स्टाइल से अलग है, बट ये पहनने के बाद मुझे काफ़ी सुंदर लग रही थी, सो मुझे लगा कि ये कलर बहुत प्यारा, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कलर, आई जनरली डोंट वेयर दिस रस्टी ऑरेंजिश कलर, बहुत सुंदर है एंड इस तरीके से प्रिंट है फ्लोरल छोटा छोटा सा, नेक पे बहुत अच्छी डिटेलिंग है, थोड़ा डीप नेक है ये, बट आई रियली लाइक इट। और इसमें भी आपको फीडिंग के लिए यहाँ पर फ्रंट में जिप्स मिल जाएंगी, तो आप आराम से इसमें फीडिंग करा सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस ड्रेस, घुटनों से थोड़ी नीचे आती है, बट कलर वाइज एंड डिज़ाइन वाइज दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रिटी पीस, और मतलब इतनी स्टाइलिश अगर फीडिंग ड्रेसेस मिल जाएँ तो क्या ही बात है ना। एक और सवाल जो कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो गई आपकी सी सेक्शन से, बिकॉज बहुत लोग का ये था कि यार हम तो अभी उठ ही नहीं पा रहे हैं, हमें तो चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है। देखो मैं इसमें क्या बोल दूँ, मतलब मेरी जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी भी थी वो भी सिजेरियन थी और मैं उसमें भी ऐसे ही एक्टिव रही थी। मेरे डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हो ना तो इट हेल्प्स योर बॉडी रिकवर फास्टर, तो मैं हल्का फुल्का काम करती रहती थी थोड़ा थोड़ा पहले भी, और इस बारी भी बस अभी मेरा टॉडलर है तो जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है। आपको तो पता ही कि अगर एक बड़ा बच्चा है आपका ऑलरेडी तो यू कॉन्ट हैव दैट पीस ऑफ माइंड कि आप आराम से बेड पर बैठ के सब देखते रहो और सारे काम हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बच्चे की जिम्मेदारी माँ से बेहतर कोई नहीं निभा सकता इस दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, एंड इट्स अ फैक्ट कि इतनी चिंता इतनी फिक्र और सारा दिमाग वहीं पर रहना ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। तो इफ़ यू आर अ मॉम देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आप अपने बच्चे को सिर्फ बैठे बैठे से देख नहीं सकते, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर चाइल्ड, और फिर छोटा बच्चा है उसका भी ध्यान रखना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड मैं अपनी डाइट का खास करके बहुत ध्यान रखती हूँ कि बहुत लोग पूछते थे कि आप डाइट में क्या लेते हो, अच्छा तो मैं अभी बताती हूँ, बट मेरी रिकवरी का वन ऑफ द मेजर रीजन्स यही है कि मैं
एक साथ इकट्ठा काम नहीं कर रही हूँ. आई टेक रेस्ट आई वर्क, आई टेक रेस्ट आई वर्क. और मैं खाना बहुत सही तरीके से खा रही हूँ बिकॉज ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी था कि मैंने रिकवरी इसीलिए बेटर हो गई थी मेरी क्योंकि मैंने खाना ठीक खाया था. आई डोंट स्टिक टू जस्ट घी लड्डू मीठा, वो सब तो मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ. अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ मैं क्या खाती हूँ. उससे पहले एक और ड्रेस देख लेते हैं. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ अ कॉर्ड सेट. कॉर्ड सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ड्रेसेस मैं पिछली प्रेगनेंसी में बहुत सारी पहन चुकी थी. सो आई वॉन्टेड टू ट्राई अ कॉर्ड सेट. तो ये बहुत ही सही चीज़ लगी इसमें ना, यहाँ पर इस तरीके से ये आपको मिलता है. एंड इन ड्रेसेस के बेस्ट पार्ट ये है कि आप इन्हें प्रेगनेंसी में भी पहन सकते हो एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये बहुत काम आती हैं. सो दीज आर बेसिकली नॉट माइंड फॉर नाइन, ये 9 मंथ से भी ज़्यादा आपके काम आती हैं. तो इसमें इस तरीके से यहाँ पर ये आपको स्ट्रेचेबल बैंड मिल जाएगा जो कि सिजेरियन के बाद भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी आपके बम पे काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा. आई रियली लाइक द फैब्रिक, द प्रिंट इज़ वेरी नाइस. और इसके साथ जो ऊपर कुर्ता आता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी. बिल्कुल सिंपल बेसिक डिज़ाइन बनाया है इसमें. फ्रंट में आपको बटन्स मिल जाएंगे सो यू कैन ईजली फीड योर बेबी. और साइड में इस तरीके से इसमें स्लीव्स आएंगी. द फैब्रिक फील्स लाइक मलमल, इतना सॉफ्ट है ना और बहुत कंफर्टेबल फील होता है. प्रिंट मुझे बहुत सुंदर लगा. इट्स अ वेरी मॉडर्न कॉर्ड सेट फॉर न्यू मॉमीज. हाँ, तो हम कहाँ थे कि मैंने क्या क्या खाया फॉर रिकवरी. मैंने खूब सारे वेजिटेबल्स खाए. लोग जनरली वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं लेकिन सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है. आपके डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करेंगे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो कि आफ्टर डिलीवरी सब्जियां खाना बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके अलावा कैल्शियम रिच फूड, आयरन रिच फूड आप खाइए. अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो हैव मिल्क. और मैं तो खैर रोटी भी ठीक ठाक खाती हूँ, मुझे तो बहुत ही भूख लगती है. स्पेशली व्हेन यू फीड योर बेबी ना तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है. भूख और प्यास तो मतलब ऐसे बैठी रहती है बिल्कुल कि आ जाओ बस खा लो पानी पी लो, बस यही चलता रहता है सारा दिन. तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाने बहुत ज़रूरी हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं. लोग फ्रूट्स नहीं खाते बिकॉज ये पुरानी कुछ लोगों की मान्यता है कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है. बिकॉज ये मैंने अपने घर में भी देखा है. मेरी जो मम्मी हैं जब मैं हुई थी तो वो बताती हैं कि उस टाइम पे पानी भी नहीं देते थे यार पीने को. सो सबके अलग अलग रिचुअल्स थे. बट पता नहीं अभी जैसे डॉक्टर्स अलग चीज़ें रिकमेंड करते हैं. सो मैंने डॉक्टर की मानी, वो चीज़ें कंज्यूम करनी स्टार्ट की एंड माई रिकवरी इज़ बेटर. आई फील मोर एनर्जेटिक और मेरे टाके भी काफ़ी टाइम से सही हो गए. इफ़ यू कैन हैव देन यू कैन ट्राई बॉयल्ड एग्स. बॉयल्ड एग्स बहुत अच्छे होते हैं सिजेरियन में हीलिंग के लिए, तो वो आप ट्राई कर सकते हो. इस बार तो मैंने नहीं खाए, पिछली बार खाए थे. पता नहीं, मन नहीं करता एग्स खाने का ऐसा कोई खास, बट लेट्स सी. और उसके अलावा यू कैन टेक प्रोटीन रिच फूड्स. दाल खाइए आप, रोटी भी खा सकते हो. दलिया इज़ वेरी नाइस, दलिया बहुत सही रहता है. मैंने दलिया काफ़ी खाया इस बार तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया. सो दैट इज़ व्हाट आई ईट जनरली. चीले वगैरह मैं खा लेती हूँ, कभी कभार सैंडविचेस खा लेती हूँ. ब्रेड मुझे ज़्यादा सूट नहीं आता सो आई स्टिक टू रोटी एंड चावल. बहुत लोग चावल नहीं खाते तो वो आपकी बॉडी बॉडी पर डिपेंड करता है. देखो मैं चावल खाने लगी हूँ अभी, तो मेरी डिलीवरी को लगभग 20-25 दिन हो गए हैं. तो आई कंज्यूम राइस, आई रियली लव इट. मतलब मैं राइस के बिना रह नहीं सकती, ऐसा वाला है. बट ये आपका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, आपको क्या खाना है. अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खाओ यार, कुछ नहीं होता, यू विल बी फाइन. नेक्स्ट आएगा हमारा ये वाला सुंदर सा ड्रेस. इसने तो मुझे बिल्कुल गोवा की याद दिला दी. और मैं ना इतनी ज़ोर से इस टाइम ऐसे वेकेशन क्रेव कर रही हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती. आई जस्ट वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू ट्रैवल. बट अभी मेरी बेटी छोटी है सो आई एम वेटिंग कि वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाए सो दैट वी कैन बी कम्फर्टेबल गोइंग विद हर. उसको हम आराम से ले जा सकें, बस उसी का वेट कर रही हूँ. तो ये सुंदर सी ड्रेस है. गोवा इज़ कॉलिंग. इस बार तो मैं प्रेगनेंसी में गोवा भी नहीं गई. मतलब पिछली बार भी नहीं गई थी. अभी 5-6 सालों से गोवा मतलब ऐसे ही एक दो बार ही जा पा रहे हैं, मतलब हर साल हम लोग जाते थे. बट एनी वेज चलो, सब वक्त का खेल है. तो ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है. इट्स अ ब्यूटिफुल बीच वेयर ड्रेस, एकदम ऐसी फीलिंग दे रही है. और इसमें ना अंदर ये कवर अप है ऊपर, और अंदर इसमें आपको फीडिंग के लिए चेन्स मिल जाएंगे. इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप कहीं बाहर भी बच्चे को दूध पिला रहे हो ना, यू कैन कवर योर बेबी फ्रॉम द टॉप. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. दिस ड्रेस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैट. एंड नीचे ये सिंपल स्ट्रेट ड्रेस आती है और इसमें दोनों साइड में स्लिट मिल जाएगा. आपको पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लगती है. द कलर एंड द कॉम्बिनेशन इज़ वेरी प्रिटी. फैब्रिक बहुत अच्छा है, कम्फर्टेबल रेयन फैब्रिक है. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई विल हाईली रिकमेंड. नेक्स्ट ड्रेस दैट वी हैव इज दिस ब्यूटिफुल ब्लैक ड्रेस जिसमें बहुत सारे फ्लोरल्स बने हुए. तो मैंने बहुत बार पहन ली है अभी एंड इट्स अ वेरी सेफ कलर एंड कॉम्बिनेशन. जब कभी भी पहन लो हमेशा अच्छी लगती है. एंड इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, सुपर सुपर सॉफ्ट, वेरी लाइट वेट रेयन इन द साइज मीडियम. और इसमें भी आपको फ्रंट में चेन मिल जाएंगे, पीछे को टाई करने के लिए ऐसा मिल जाएगा. स्लीव्स में भी काफ़ी डिफरेंट पैटर्न है. तो एकदम स्ट्रेट फिट ड्रेस है, इसमें कोई स्लिट नहीं है. एंड इट्स वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर. आप कुछ भी काम कर रहे हो, बाहर जाना है, दोनों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. तो एक जनरल सा क्वेश्चन और मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मिल्क सप्लाई कैसे इंक्रीज करें. सो देखो, मिल्क सप्लाई ना बहुत सारी चीज़ों से मिलके इम्पैक्ट होता है. बहुत सारी मदर्स को थोड़ा इशू रहता है कि हमारा मिल्क सफिशिएंट नहीं है हमारे बेबी के लिए.
अच्छे से नहीं आ रहा है, तो ये मैंने पहली प्रेगनेंसी अपनी जो पहली डिलीवरी थी उस टाइम पे फील किया था. मुझे लगता था कि शायद मतलब इतना इनफ ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है. सो आई फिगर्ड इट आउट कि उस टाइम पे एक इशू था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग वेल. मैं रात रात भर लाइट जला के हम लोग बेड पे लिटरली बैठे रहते थे रूरू को लेके कि ये सो जाए और फिर हम इसे हर दो घंटे बाद दूध पिलाएंगे, ये सो जाए फिर हम इसे हर दो घंटे बाद दूध पिलाएंगे, अब इसका डायपर चेंज करेंगे, अब ये करना है, अब वो करना है. सो हम ऐसे उल्लुओं की तरह बेड पे बैठे रहते थे, विच आई रियलाइज ये सबसे बड़ी गलती थी. एक तो क्या होता है ना, रात में लाइट जलाने से बच्चा नहीं समझ पाता दिन और रात का डिफरेंस, तो वो रात में जगने लगता है. अब बच्चा रात में जगेगा तो माँ तो सो ही नहीं सकती, तो मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, विच इम्पैक्टेड माई मिल्क सप्लाई. एंड फिर मैं चिड़चिड़ी रहने लगी, मेरा खाने का मन नहीं करता था. एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हुआ था मुझे उस टाइम पे. इस बार तो मुझे सिर्फ एक दो दिन अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि शायद वो एकदम से ब्लड लॉस होता है तो एनीमिया की वजह से कभी कभी एंग्शियस फील करता है इंसान. बट इस बार मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं हुआ, बिकॉज आई फिगर्ड इट आउट कि वो किस वजह से और क्यों हो रहा था. मैं कहीं और चली गई, इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे. आई वॉज टॉकिंग अबाउट फीडिंग राइट हियर. तो उसमें क्या हुआ था कि मैं सो नहीं रही थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, खा नहीं रही थी, डिप्रेशन भी हिट कर रहा था, रोए जा रही थी. सो माई बॉडी वॉज नॉट फीलिंग राइट. जब आपकी बॉडी सही नहीं है, आपका डाइट नहीं है, आप सो नहीं रहे हो, मिल्क सप्लाई सबसे पहले इम्पैक्ट होगी एंड इट विल इम्पैक्ट योर बेबी टू. तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना. फिर मैंने धीरे धीरे फिगर आउट किया कि नहीं, मुझे सोना ज़रूरी है. सो मैं टाइम निकाल के ढंग से सोने लगी. तो सोने का ध्यान रखो, और बेबी का रूटीन जो बनाना है डे नाइट का, वो ऐसे ही बन सकता है कि जो भी आपका सोने का टाइम है उस टाइम पे लाइट्स ऑफ कर दो, उसके बाद लाइट मत जलाना बिल्कुल भी रात में. कोई एक छोटा सा बल्ब कुछ ऐसा जिससे हल्की रोशनी हो, बस आप ये देख सको कि डायपर चेंज कर रहे हो तो आपको हल्का फुल्का दिख जाए, इतना तो अंदाज़ा हो जाता है. बाकी लाइट्स जलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना बच्चे को डिफरेंस पता नहीं चलेगा और आप सो नहीं पाओगे. तो उस तरीके से मैंने फिर अपना खाना चेंज किया और अपना स्लीप पैटर्न बेटर किया पिछली बारी, तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क ओके हो गया था. दिस टाइम आई एम नॉट फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू, क्योंकि मेरी बेटी पूरी रात सोती है. हम टाइम से लाइट ऑफ कर देते हैं और सुबह टाइम से लाइट जला देते हैं और दिन में उसको रोशनी में रखते हैं, सो दैट शी कैन आइडेंटिफाई डे और नाइट. तो मेरी नींद बिल्कुल इंपैक्ट नहीं होती. इनफैक्ट मैं सुबह उठ के अपनी बेटी, दूसरी बेटी का लंच बनाती हूँ, उसको रेडी करती हूँ, नहला धुला के तैयार करके उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर लेके भी आती हूँ, बाकी सारे काम भी करती हूँ और वीडियोस भी बनाती हूँ. तो मेरी नींद पूरी है, इसीलिए मैं इतना अच्छे से काम कर पा रही हूँ, मेरी रिकवरी अच्छी हो पा रही है, क्योंकि मेरी बेटी रात में सोती है. तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इफ यू आर अ न्यू मॉम. ये मैंने सीखा है अपनी पुरानी प्रेगनेंसी से. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड दिस इज द लास्ट आउटफिट दैट आई एम करंटली वेयरिंग. इसके अंदर मैंने अपनी व्हाइट टी शर्ट पहनी है, इट्स अ डंगरी स्टाइल, वेरी नाइस कंफर्टेबल, क्या बोलूँ मैं इसको, जंप सूट भी कह सकते हो. एंड इट्स वेरी वेरी नाइस, बहुत सुंदर लगता है, स्पेशली व्हेन यू आर प्रेगनेंट, तो उस टाइम पे आप इसे कैरी कीजिएगा. बेबी मम बहुत क्यूट लगता है. इसमें दो पॉकेट्स भी आते हैं एंड द कलर इज ऑल्सो वेरी नाइस, द कॉम्बिनेशन इज रियली प्रिटी. सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. इफ यू वॉन्ट मोर सच चिट चैट वीडियोज, कुछ मॉमी टॉक्स, then do let me know in the comments. Bye bye. See you next one.